वेलकम दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीर्यनाश और ब्रह्मचारी के ऊपर। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, तभी आप लोगों की समझ में आएगा कि जो लोग ब्रह्मचारी का पालन करना चाहते हैं उनका बार बार वीर्यनाश हो जाता है और वो गलत काम नहीं छोड़ पाते हैं, गंदी फिल्मों को देखना नहीं छोड़ पाते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्मचारी किस तरह से पालन कर सकते हैं, किस तरह से हम इन चीजों को छोड़ सकते हैं। तो ब्रह्मचारी का पालन हर कोई करना चाहता है, चाहे वो गरीब हो और चाहे वो अमीर हो, लेकिन दोनों में फर्क आप लोगों को समझना होगा। सबसे पहली बात, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ उतना ही भोजन लेना चाहिए जिससे कि हमारा काम चल जाता हो। उससे कम भी भोजन नहीं ले सकते, क्योंकि अगर उससे कम हम भोजन लेंगे तो हमारे अंदर इतनी ताकत ही नहीं रहेगी कि हम चल फिर सकें या फिर अपने रोजमर्रा का काम कर सकें। ये हम लोगों को समझना होगा कि हमारी बॉडी को दिन भर में कितनी कैलोरी चाहिए। उससे ज्यादा अगर हम कैलोरी लेंगे तो वो आपके काम वासना में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर आपका उल्टे सीधे काम करने का दिल करेगा, क्योंकि जितना भोजन हमें चाहिए अगर उससे कम लेंगे तो भी नुकसान है, ज्यादा लेंगे तो भी नुकसान है। तो ये आप लोगों को समझना होगा कि आपकी बॉडी को कितना दिन भर में कितनी कैलोरीज की जरूरत है। अब हमें इसमें बैलेंस बनाना होगा। बैलेंस कैसे बनाना है, बहुत मुश्किल है लाइफ में बैलेंस बनाना, चाहे वो किसी भी चीज का बैलेंस बनाना हो। तो दोस्तों, आपको समझना ये होगा, सबसे मेन पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा काम वासना किन चीजों से बढ़ती है जो आप डेली खाते पीते हैं। दूध, मलाई, घी, मक्खन। अब आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि बिना दूध और मलाई और दही और इन चीजों के बिना तो आपका काम चलता ही नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि दूध एक ऐसी चीज है, अगर आप ज्यादा मात्रा में दूध लेंगे तो ये आपके अंदर काम वासना बहुत ही ज्यादा पैदा करेगा। आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि हमारी पृथ्वी पर मनुष्य को छोड़कर कोई भी दूसरा ऐसा प्राणी नहीं है जो काम वासना से भरा हो। दुनिया में जितने भी जानवर हैं, सबसे ज्यादा काम वासना इंसान के अंदर है और उसका एक कारण है दूध पीना। क्योंकि कोई भी पशु बचपन के दूध छोड़ने के बाद फिर दोबारा से कभी दूध नहीं पीता, लेकिन सिर्फ मनुष्य ही एक ऐसा है जो हमेशा दूध पीता है। ये पशु को जरूरत भी नहीं है दोबारा दूध पीने के लिए, उसका काम पूरा हो जाता है। भी पशु दूध पीते हैं अपनी माँ का जब वो छोटे होते हैं, जब वो पैदा होते हैं, उसके बाद वो फिर दोबारा कभी दूध नहीं पीते। आपने देखा भी होगा, दूसरे की माताओं का सिर्फ दूध मनुष्य ही पीता है और कोई दूसरे की माताओं का दूध नहीं पीता। बच्चा एक उम्र तक दूध पिए ये नेचुरल है, लेकिन उसके बाद दूध पीना, मैंने आपको बता दिया है कि सबसे ज्यादा काम वासना जो पैदा होती है वो दूध पीने से होती है। तक आप छोटे हैं और अपनी माँ का दूध पीते हैं जब तक ही आपको दूध पीना चाहिए, उसके बाद आपको दूध पीना छोड़ देना चाहिए। और अगर फिर भी अगर आप दूध पीते हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप कंट्रोल कर सकते हैं अपनी काम वासना पर। उसके बाद दूध की जो आवश्यकता है वो नेचुरल नहीं है, आप अगर पीना चाहें तो पी सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आपको कंपल्सरी पीना ही पीना। क्योंकि जब तक बच्चे का जो शरीर है उसका निर्माण कंप्लीट हो जाता है, हड्डियां बन जाती हैं, आंखें बन जाती हैं, पूरा कंप्लीट हो जाता है इंसान, उसके बाद पैदा होने के बाद जितनी जरूरत है, जितने दिन तक जरूरत है, माँ दूध पिलाती है अपने बच्चे को, लेकिन उसके बाद कोई ऐसी खास जरूरत नहीं पड़ जाती। उसके बाद सामान्य भोजन काफी है बच्चे के लिए, तो वो अगर सामान्य भोजन खाए उसमें भी मांसाहारी नहीं, सिर्फ और सिर्फ शाकाहारी सब्जियां, और उसके बाद भी अगर इंसान दूध पीता है वो सारा दूध निर्माण करता है काम वासना का। इंसान की बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा जो खून बनता है वो दूध से बनता है और खून बनने के बाद वीर्य बनता है। तो दूध से निर्मित जो भी है वो काम उत्तेजित होता है। जो ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं उनके लिए खतरनाक, और अगर आप अपने ब्रह्मचार्य में दूध पीने के बाद अपने काम वासना को कंट्रोल कर सकते हैं तो कोई खतरनाक नहीं है, अगर आप समझ जाते हैं इस चीज को। भोग के साधक के लिए सहयोगी है और योग के साधक के लिए बिल्कुल घातक है, क्योंकि दूध में इतनी ताकत है, इतनी पावर होती है दूध में। मान लीजिए कोई भैंस है, वो दूध पैदा करती है, तो वो दूध अपने बच्चे के लिए पैदा करती है, वो भैंसे के लिए पैदा करती है, और अगर हम उस दूध को पिएंगे तो हमें उसी तरह की ताकत मिलेगी, क्योंकि उस दूध में इतनी ही ताकत होगी जो कि एक छोटे से बछड़े को भैंसा बना सके। तो बहुत ज्यादा ताकत होती है एक दूध के अंदर। तो दूध अगर आप हिसाब से पिएंगे और मतलब अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं अपनी काम इच्छा पर, तो आप बेशक दूध पीजिए, लेकिन उसके अंदर बहुत ज्यादा ताकत होती है। दूसरी बात यह है कि आपको ये बिल्कुल भी नहीं घबराने चाहिए कि हमने हस्तमैथुन कर लिया या फिर वीर्यनाश कर लिया तो दोबारा नहीं बनेगा। वीर्य 24 घंटे बनता रहता है, जितना भी आप खाना खाएंगे उसके बाद खून बनता है, खून के बाद खून से आपका वीर्य बनता है। तो अगर आप किसी भी काम को घबरा कर करेंगे तो वो काम आप कभी भी नहीं कर सकते, और जितना आप अपने मन को किसी भी गलत काम करने से रोकेंगे वो आपका मन उतना ही उसी तरफ भागेगा वही काम करने के लिए। तो इसलिए आपको समझना ये होगा कि जो भी हम गलत काम करते हैं तो उसके नुकसान क्या क्या होते हैं। तो ऑटोमेटिकली आपका जो
दिमाग है वो आपको वो काम करने से रोक देगा जो आप समझ कर करेंगे। तो दोस्तों आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ जानकारी मिली होगी। अगर आपको इस वीडियो से जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में बहुत ही जल्द। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय। आपको अपने